नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स से आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 13, मानवीय करुणा की दिव्य चमक के गद्यांशों के आधार पर प्रश्न उत्तर। पहली वीडियो में हमने पाठ का सार और शब्दार्थ और हमने क्वेश्चन आंसर किए थे। ठीक है बच्चों, आज हम करेंगे गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब गद्यांश देखिए क्या है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुलके थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेपाक राय और सुझाव देते। हमारे घरों में किसी भी उत्सव में और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हमें अपने आशीषों से भर देते। अब देखिए बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर क्या है गद्यांश में। पहला क्वेश्चन है, फादर को देखकर तथा बातचीत कर लेखक को क्या अनुभव होता था। उत्तर देखिए बच्चे, फादर को याद करना लेखक को एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा लगता था। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे पवित्र जल में स्नान किया हो। प्रश्न नंबर दो, लेखक को परिमल के दिन क्यों याद आते हो। उत्तर देखिए, लेखक को वे दिन याद आते हैं जब परिमल समूह में सभी साहित्यकार एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, जिसके बड़े फादर बुलके थे, जब सभी हंसी मजाक करते, आसक्ति रहित उपस्थित रहते, गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते, परिमल समूह के सभी सदस्यों द्वारा रचित रचनाओं पर बेझिझक राय और सुझाव देते। प्रश्न नंबर तीन, फादर बुलके को बड़े भाई और पुरोहित के समान क्यों माना गया है। अब देखिए उत्तर, घर में कोई उत्सव था समारोह तो घर के बड़े भाई तथा पुरोहित परिवार के छोटे सदस्यों को आशीर्वाद देते हैं। वैसे ही फादर बुलके किसी भी सदस्य के घर कोई उत्सव और संस्कार होता तो वे बड़े भाई और पुरोहित की तरह सभी को आशीर्वाद देते। ठीक है बच्चों, आप सेकंड पैराग्राफ देखिए। अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा, उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश के को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वही पादरी हो गया था, एक भाई काम करता था, उसका परिवार था। बहन सख्त और जिद्दी थी, वह बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद दो या तीन बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। ठीक है बच्चे, प्रश्न देखिए। पहला, कैसे पता चलता है कि फादर अपनी माँ को बहुत लगाव रखते थे। फादर को एक घर के सदस्यों में भी माँ के उन्हें बहुत याद आती थी। फादर को अक्सर माँ की याद में खोए देखा जाता था। उनकी चिट्ठियाँ उनके पास आया करती थी, जिन्हें वे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। प्रश्न दो, फादर को किसकी और क्या चिंता थी। फादर को अपनी बहन की बहुत चिंता रहती थी। वह बहुत सख्त और जिद्दी थी, उनको उसकी शादी की चिंता रहती थी। लास्ट में प्रश्न नंबर तीन, पाठ और लेखक का नाम बताइए। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और लेखक का नाम है सर्वेश्वर दया सक्सेना। धन्यवाद बच्चों।